हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति मेहंदी आर्ट। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड हमारी क्लासेस जो है वो आप एंजॉय कर रहे हैं। तो आज की जो बेसिक क्लास है उसके अंदर मैं आपको सिखाने वाली हूँ सिंपल यूनिक मंडला मेहंदी का जो डिजाइन होता है ना वो, ठीक है, जो की सर्कल में, स्क्वायर में, अलग अलग शेप्स में आप इसे डिजाइन कर सकते हैं बहुत ही इजी स्टेप्स में। आज हम देखने वाले हैं, आज है बेसिक क्लास का डे 12। ओके, और इससे पहले मैंने बेसिक क्लासेस जो हमारी यूट्यूब चैनल पर अभी स्टार्ट हो रखी हैं वो मैंने उसमें काफी वीडियोस जो है ना पहले अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो ऊपर आपको एक आई बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप वाली वीडियोस देख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक डिजाइनिंग उसमें मैंने काफी कराई है जिसको आप अच्छे से करने के बाद अब आगे की हमारी जो क्लासेस है ना वो आप अच्छे से अटेंड कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को आप प्रेस करना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, कोई भी क्लास आपको मिस ना हो। तो चलिए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक इस तरीके से डायमंड शेप, ठीक है। आप कोई भी शेप में मंडला मेहंदी का जो डिजाइन होता है ना वो आप डिजाइन कर सकते हैं। सर्कल में वैसे काफी ज्यादा ये यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ये लाइन ड्रॉ करी, इस पॉइंट से अगेन ऐसे उठा के आपको इस साइड पे लाइन देनी है, ओके। इस तरीके से एक शेप क्रिएट करनी है, इसी के बाहर आपको फिर से अगेन बैक टू बैक लाइन सेट करनी है। देखो लाइंस को ना बहुत ध्यान से आपने ड्रॉ करना है, लाइंस एक दूसरे में मिक्स नहीं होनी चाहिए। लाइंस की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई है तो रेफरेंस लाइन में आप इसे पहले क्रिएट करना, देन फिर आप फाइनल लाइन देना, ठीक है। और बहुत आराम से बनाना है इसको, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे ऐसे किया और फिर यहाँ से इस तरीके से लाइन ऐसे उठाई, यहाँ से उठाएंगे एंड देन कनेक्ट करना है। मैं फ्रेश जो मेरा मेहंदी का कोन है वो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है आपके काम में, आपको भी वही चीज करनी है। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से फ्रिल ऐड करनी है लेंथ में, लंबी लंबी। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं मेहंदी से रिलेटेड तो यहाँ पे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ओके। तो मैं आपको यहाँ पे आंसर कर दूंगी। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़े तो मैं वीडियो के थ्रू आपको आंसर करूंगी। यहाँ पर भी इस तरीके से ऐसे ये ऐड करनी है फिल। नेक्स्ट, और किन बेसिक टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताना, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ पाऊं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आप जो भी क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हो, ये यूट्यूब पर जो भी हमारी स्टार्ट है, ये वाला वर्क आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी मैं वीडियोस डिज़ाइंस अपलोड करती रहती हूँ, आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। उसकी जो आइडिया है यहाँ पर स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिलेगी, ज्योति मेहंदी आर्ट के नेम से है। यहाँ पे अगेन इस तरह से ऐसे ये करना है, वो धीरे धीरे इस तरीके से आपको करना है। स्टार्टिंग में जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना, आप खुद ब खुद अपने आप से ऐसे स्पीड में बनाने लग जाते हैं। यहाँ इस तरह से ऐसे सिंपल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, इसके बीच में डिजाइनिंग देनी है। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी एक डॉट, इसके ऊपर ड्रॉ करूंगी इस तरीके से सर्कल, सर्कल एक और ऐड करूंगी यहाँ पे इस तरह से, ऐसे बिल्कुल सेंटर में देना है। अब इसके ऊपर लेंगे हम ऐसे फ्रिल, इस पॉइंट से भी ऐसे, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे बनाऊंगी पेटल, यहाँ से ऐसे कर्व किया, हल्का सा अंदर की तरफ आएंगे, बाहर की तरफ गए ऐसे। चारों साइड्स में आपको सेम यही पेटल की जो शेप है वो ऐड करनी है कुछ इस तरह से, यहाँ से भी ऐसे करेंगे ये ड्रॉ। अब इसके साथ में ये जो बीच में जो स्पेस बचा हुआ है यहाँ पे आपको इस तरीके से ऐसे कर्व करना है, यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया, ये अट्रैक्टिव सा एक इस तरीके से डिजाइनिंग जो है वो ऐड करनी है, सिंपल यहाँ तक किया। आइट साइड वाला जो एरिया है इसको हमें अच्छे से करना है,
फिलिंग के टाइम पे ध्यान रखना है आपको, अच्छे से फिलिंग करनी है। ओके, ऐसे घिस घिस के ऐसे रफली फिलिंग नहीं करनी है, इसका कलर नहीं आता है फिर, ठीक है। प्रॉपर जो आपको कलर चाहिए मेहंदी का, वो इसी वजह से नहीं आता है, फिनिशिंग इसी वजह से नहीं आती है कि आप इस तरीके से पूरा अच्छे से प्रॉपर लाइंस में काम नहीं करते हो, खुद के बनाए हुए मेहंदी से कोन से काम नहीं करते हो, ठीक है। ये ऐसे सिंपल। अब इसके बाद में शेप्स पे आपको ध्यान रखना है, शेप नहीं खराब होनी चाहिए। यहाँ पर इधर मैं मोटा सा डॉट लूंगी, ये चारों जो पेटल्स बनाई थी इनके यहाँ पे, यहाँ भी मैं डॉट ऐड कर दूंगी। आपकी मर्जी है, आप पूरे में करना चाहें या फिर नहीं करना चाहें। तो एक सिंपल सा पैटर्न बना, इसके बाद यहाँ पर मैं एक मोटा डॉट ऐड कर दूंगी, फिर यहाँ नीचे एक मोटा डॉट लिया, ऐसे ही इस वाले कॉर्नर में भी। अब जो ये बीच में स्पेस बचा है, यहाँ पे हमें ऐड करने हैं छोटे डॉट्स, ताकि इसका जो लुक है वो और अच्छा है, पूरा बैलेंस होता हुआ लगे। आप सेम साइज के भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़े से इसको और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए थोड़ा छोटे रखा है यहाँ पर ऐसे। आज की ट्रेनिंग आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, ठीक है। जो भी लोग मेहंदी लगाना सीखना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो, यहाँ पे इस ये करेंगे। डॉट्स देखो मैं कैसे बना रही हूँ, आपको बहुत हवा में उठा के डॉट्स नहीं बनाने हैं। कोन की टिप को ऐसे सीधा रख के टच करके ही आपको इसको बनाना है। इसके बाद देखेंगे एक और नेक्स्ट डिजाइनिंग। यहां इसे भी मैं स्क्वायर शेप में ड्रॉ करूंगी, पहले ही थोड़ा डायमंड शेप में था ये वाला, इसको स्क्वायर में ले लेते हैं ऐसे। यहां पर इस तरीके से ऐसे ड्रॉ किया, यहां से लाइन ड्रॉ करी ऐसे, फिर इसके अंदर ही मैं यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करूंगी। इतने चलिए आप सभी ये बताइए, आप कहाँ से किस जगह से मेरी YouTube वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे ही पता चले आप सभी कहाँ से इतना प्यार भेज रहे हैं, जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। ओके, तो यहाँ पे अभी मैंने ये किया, इसके बाद अगेन यहाँ पर मैं यही शेप इसके अंदर लूंगी। अगर शेप छोटी आपने बनाई है ओके, तो बाहर की तरफ आप लाइंस ड्रॉ करना, अगर बड़ी बन गई है तो अंदर की तरफ। मेरी थोड़ी सी बड़ी बन गई थी, तो मैंने अंदर की तरफ यहाँ पे ये लाइंस लेके काम किया। सिंपल से यहाँ देना है डॉट सेंटर में बिल्कुल, इसके ऊपर करना है सर्कल, एंड देन ऐड करनी है फ्रिल। ये किया, इसके ऊपर ऐड करनी है कर्व्स में पेटल्स, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे आगे पूरा अच्छे से पेटल्स क्रिएट करते हुए जाना है, ऐसे कर्व्स ड्रॉ किए। अब ये जो चारों डायरेक्शन है ओके, इस एंगल में ऐसे आपको लीव्स ऐड करनी है, यहाँ से ऐसे कर्व लेके एंड देन सेंटर में, इस पॉइंट पे भी ऐसे करेंगे यहाँ से ऐसे। यहाँ ऐसे कर्व लिया और ये भी कट कर दिया। इस साइड से भी ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये हो गया। यहाँ पे एक सर्कल ऐड करना,
अब इस एरिया को अच्छे से करना है थिक फिल, यहाँ पर ऐसे करेंगे। आपको ध्यान रखना है डिजाइनिंग ज्यादा होनी चाहिए, ये कटवर्क का मधुबनी जो स्टाइल होता है वो एक डिजाइन है, ठीक है। तो इसको ऐसे करना है अच्छे से थिक फिल, डिजाइन खराब नहीं होना चाहिए, जो भी आपने डिजाइन ड्रॉ किया है उसके ऊपर ऐसे आउटलाइन होनी चाहिए। पूरा जो डिजाइन है इस पे आउटलाइन भी ऐसे इसको फिल कर दिया जाएगा, यहाँ से ऐसे चलेंगे। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे से देखना कि मैं कहाँ पर क्या डिजाइन करती हूँ, और मेरे साथ साथ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। डेली मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो डेली आप तो, मैं अभी फिलहाल तो ना एक दो दिन अभी ऐसा हुआ है कि टाइमिंग थोड़ा चेंज हुआ था, वीडियो शूट नहीं हो पाया था, जिस वजह से मैं नाइट में अपलोड करी थी, बट अब मैं ट्राई करूँगी कि 1 बजे डेली वीडियो अपलोड करनी ही है मैंने, ठीक है। तो उस टाइम आपका ट्रेनिंग का टाइम रहेगा, ओके, कि वो मैं जब अपलोड करूँगी तो मेहंदी का कोन और अपनी शीट रेडी रखना, तो जैसे मैंने उसे अपलोड किया है आपने उसको देखना है एंड प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो देखते हैं अभी जब तक की ट्रेनिंग चल रही है बेसिक क्लासेस की, तो कितनी फिनिशिंग आती है आपके काम में डे वन की और डे एंड की, दोनों शीट्स आप अपनी मैच करना, ओके। इम्प्रूवमेंट देखना कितना आया है, और मेरे साथ जरूर शेयर करना अपना डिजाइनिंग, इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा प्रॉपर बेसिक टू एडवांस कोर्स करना है ना, तो आप उसके लिए अपनी सीट बुक कर सकते हैं। मेरा न्यू बैच स्टार्ट होगा 1 दिसंबर से, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें आपको बेसिक एडवांस फिगर्स का काम, पोर्ट्रेट मेहंदी, एंगेजमेंट मेहंदी, बहुत सारी चीजें, बेबी शावर मेहंदी वगैरह सब कुछ इसमें कराया जाने वाला है। तो उसकी फुल डिटेल आपको चाहिए तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगी, उस पे आप DM कीजिएगा, ओके, और डिटेल्स ले सकते हैं, अपनी सीट बुक कर सकते हैं। और इस पे ऑफर भी अभी चल रहा है, जो भी लोग 25 नवंबर से पहले अपनी सीट बुक करेंगे इस कोर्स के लिए, उन्हें हम फ्री मेहंदी किट, फ्री PDF फाइल, फ्री पोर्ट्रेट की क्लास इसमें देने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से अपनी सीट बुक कर लेना ताकि किट जो है वो हम टाइमली आपको भेज पाएं और आप अपनी क्लास अच्छे से कर पाएं। और जिन भी लोगों को प्रोडक्ट भी चाहिए, प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएगा, मेहंदी का पाउडर, ऑयल, स्टॉकिंग, अभी सेल स्टार्ट है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको ऐसे करूंगी। अब इसके बाद यहाँ पर लाइन लूंगी, नी पैक करूंगी इस तरह से ऐसे। वन मंथ का कोर्स है, टाइमिंग दो है, 1 बजे से लेकर 3 बजे की, और नाइट की टाइमिंग है 8 से 10 की, ठीक है। ये सर्टिफिकेट भी इसमें दिया जाएगा, और जो भी क्लास होंगी उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करी जाएगी। बाकी डिटेल्स तो आपको नंबर पे मैसेज करेंगे ना, वहाँ पर मिल जाएगी। तो देखो 3 लीव्स पे यहाँ पे ऐसे मोटी लीव्स का ऐसे सेट ऐड करना है, ताकि आपका डिजाइन और भी ज्यादा ऐसे हाईलाइट हो, अच्छा सा बोल्ड सा दिखे। तो अभी हमने ये यहाँ तक किया, इसके बाद में यहाँ पर भी जो इसका ये सेंटर है ना, यहाँ पर भी मैं 3 लीव्स का सेट दूंगी। आप चाहें तो यहाँ डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं, पूरे में डॉट डॉट भी ले सकते हो, खुद की क्रिएशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ ये मैं लूंगी ऐसे लीव, अगेन थोड़ी मोटी ड्रॉ कर रही हूँ बोल्ड, फिर से यहाँ पे ऐसे, इस पॉइंट से ऐसे करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे,
अब यहाँ पे ऐड करूंगी मैं थोड़े से छोटे डॉट, क्योंकि बाकी सब मैंने मोटा मोटा बोल्ड डिजाइन किया है, तो यहाँ पे छोटे डॉट्स ऐड करूंगी ताकि इसका लुक और अच्छा लगे। यहाँ पर इस तरह से डॉट्स आपको ध्यान से देने हैं, एक दूसरे में मिक्स ना हो, और पेस्ट ना बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना। पेस्ट और कोन मेकिंग से रिलेटेड एक वीडियो लेके आऊं आप सभी के लिए, बताओ कमेंट्स में। अभी कई लोगों को मैंने कहा कोन और पेस्ट बनाने में दिक्कत हो रही है, तो प्रैक्टिस के लिए कोन पेस्ट बना सकते हैं वो बता दो, वो वीडियो चाहिए तो फिर मैं वो अपलोड कर दूंगी। तो अभी यहाँ पे हमने ये वाली डिजाइनिंग तो सीख ली, चलिए अभी एक लास्ट और सर्कल वाली जो डिजाइनिंग होती है वो भी सीख लेते हैं। तो इसके लिए मैं पहले इधर एक बोल्ड डॉट ऐसे ऐड कर दूंगी, ओके, एंड इसके ऊपर इस तरीके से मैं ऐसे सर्कल ऐड करूंगी। ये एक तरीके से ना 3D डिजाइनिंग भी है, ओके। मुझसे शायद किसी ने पूछा भी था यूट्यूब चैनल पे, जब मैंने एक वीडियो डाली थी कि मैम 3D डिजाइनिंग कराना, ओके, तो मैं ट्राई करूंगी आगे और 3D डिजाइनिंग ऐसे लेके आऊँ, क्योंकि देखो ये उभरा उभरा हुआ काम है। 3D डिजाइनिंग जो होती है ना वो मोटी मोटी ड्रॉ होती है, ओके, इस तरीके से ऐसे। इसके ऊपर अभी हम ऐड करेंगे फ्रिल की लेयर, मतलब कि फ्रिल वगैरह थोड़ी बारीक होती है, कुछ कुछ चीजें उसमें मोटी होती है, ठीक है, बट उसके लिए पेस्ट जो है वो ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा थिक रखना है, क्योंकि जब आप वो डिजाइनिंग करो तो डॉट्स मिक्स ना हो, डॉट्स हो गया, लीव्स हो गई, और भी बहुत सारी ड्रॉप्स वगैरह उसमें बनती हैं, तो वो सब मिक्स ना हो। अभी इसके ऊपर फिर से मैं एक ऐसे ही दूसरी लेयर ऐड करूंगी, सिंपल सी डिजाइनिंग इधर मैं क्रिएट करूंगी यहाँ पे कुछ इस तरीके से। आप इसे फ्रंट हैंड, बैक हैंड, पैरों पे ड्रॉ करना है, कहीं पे भी इसको बना सकते हैं, एज अ स्टार्टअप भी आप इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ ड्रॉ करूंगी ऐसे स्पाइरल, लेयर वाला स्पाइरल लिया, डॉट ऐड कर दिया, फिर अगेन लेयर वाला स्पाइरल लिया, डॉट ऐड कर दिया। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है ऐसे। यहाँ पे भी ऐसे कनेक्ट किया और इसमें ऐसे डॉट दे दिया, फिर से इधर स्पाइरल लूंगी मैं। लेयर्स पहले वाला जो आपने बनाया होगा ना, ठीक है, पहले वाले के जैसा ही आपको सिमिलर आगे की तरफ काम करते हुए जाना है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने कुछ लेयर वाला ड्रॉ किया फिर आप लेयर दे ही नहीं रहे हो, स्पाइरल में नॉर्मल स्पाइरल बना रहे हो, छोटा बड़ा डिजाइन बनेगा, डिजाइन आपका अच्छा नहीं लगेगा, फिनिशिंग के साथ आएगा ही नहीं, ओके। तो बहुत ध्यान से आपको चीजें करनी है ताकि आपकी गलती ना हो उसमें। यहाँ पर एक और स्पाइरल लूंगी मैं ऐसे, एक इधर लास्ट ऐसे डॉट मोटा वाला। यहाँ तक अभी हमारा हुआ, अब इसके ऊपर ऐड करनी है फ्रिल, यहाँ से इस तरीके से ऐसे मैं करूंगी, यहाँ से कर्व में लेके जाऊंगी आगे की तरफ, फिर यहाँ से फिर कर्व। आप पूरा इसको सर्कल में भी ले सकते हैं, इसके बाहर आप एक सर्कल में लाइन ड्रॉ करके सर्कल और इसके बीच का जो गैप है वहाँ पे आप थिक फिलिंग कर सकते हैं, एंड देन टू लाइंस कर्व की आप ऐड कर सकते हो इसके ऊपर। आप करके ज़रूर देखना इसको और क्या रिजल्ट आया मेरे साथ शेयर करना। देखो यहाँ पे ये ऐसे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, ठीक है, कि देखो कितनी मेहनत के साथ मैं आपको सिखा रही हूँ। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है, एंड बहुत जल्द हम 50K
सब्सक्राइबर भी अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत अपना प्यार दिया है, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें और मैं बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी। यहाँ पे ऐसे इस पॉइंट से भी आपको इस तरीके से पूरा ऐसे कर्व में करते हुए ही जाना है। यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये है इसका फाइनल लुक जो भी फ्रिल के बाद आया। अभी एक और फाइनल लुक भी आएगा, ठीक है, अभी पूरा बना नहीं है। अब इन दो के बीच में ये जो यहाँ पे बचा हुआ है स्पेस, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ इस तरीके से ड्रॉप क्रिएट करेंगे। यहाँ से ऐसे आए और इधर से सेंटर से ऐसे बनाएंगे मेरे साथ साथ। यहाँ पे ऐसे ड्रॉप, इस साइड से ऐसे ड्रॉप क्रिएट करनी है, सेंटर में लेना है। ड्रॉप आपको ना आए बनानी तो उसको प्रैक्टिस कर लेना पहले एक बार। यहाँ पे ना मैं एक छोड़ के एक में करते हुए चलूंगी क्योंकि यहाँ पे मुझे गैप थोड़ा सा लग रहा है, कम है, क्योंकि यहाँ पे बना दिया फिर यहाँ पे भी अगेन कट है तो डिजाइनिंग पूरी आ नहीं पाएगी। इन चीजों का भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने बनाया था इधर तक आ गया तो यहाँ पे नहीं बन पा रहा था, तो ये एक इसको छोड़ के यहाँ पे मैं ऐसे ये ड्रॉप बना लूंगी। यहाँ से इस तरीके से ऐसे यहाँ पर ऐसे सिंपल। इसके बाद यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, ये ऐसे ड्रॉ, फिर यहाँ पे आएंगे, इसके बाद अगेन इस साइड पे ये लास्ट। अब जहां जहां पर ये स्पेस बचा हुआ था यहाँ पे एक मोटा बोल्ड डॉट ऐड कर देना है, सिंपल। अब ये जो तीन मैंने ये डिजाइनिंग करी है ना, इसमें से कौन सा वाला नंबर 1, 2 और 3 जल्दी से कमेंट्स में बता दो कौन सा वाला डिजाइन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है। ओके, और ये था आज का हमारा फाइनल वर्क। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।